नेपाल में एक शादी समारोह में शामिल होकर विवादों में आए राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो के जरिए तंज किया है। नेपाल से लौटे राहुल गांधी अपने दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को तेलंगाना पहुंचे थे। वे यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने से पहले कांग्रेस नेताओं से पूछते दिख रहे हैं कि क्या बोलना है, आज की थीम क्या है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर 17 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें देखा जा सकता है कि राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ बैठे हुए हैं। साथ ही ये पूछ रहे हैं कि आज के कार्यक्रम का मुद्दा क्या है, बोलना क्या है। अमित मालवीय ने कहा है कि ऐसा तब होता है जब आप निजी विदेश यात्राओं और नाइट क्लबिंग के बीच राजनीति करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दो दिवसीय तेलंगाना दौरे पर हैं। वहां उनके भाषणों में आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने तेलंगाना के सपने के बारे में बोला था। जब तेलंगाना बना तब इस प्रदेश का एक सपना था और उस सपने को केसीआर ने, एक व्यक्ति ने तोड़ा है। सपना था और उस सपने को केसीआर ने, एक व्यक्ति ने नष्ट किया है, तोड़ा है। केसीआर ने तेलंगाना को लूटा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पुलिस है, पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, सरकार है, मगर जनता नहीं है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को दिए एक भाषण की बातों को दोहराते हुए कहा, कल भाषण में मैंने कहा कि जिसने तेलंगाना को धोखा दिया उसके साथ कांग्रेस पार्टी का कोई समझौता नहीं हो सकता है, ना आज, ना कल, ना कभी। इस चुनाव में लड़ाई टीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच है। केसीआर ने तेलंगाना को लूटा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पुलिस है, पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, सरकार है, मगर जनता नहीं है, और जनता से तगड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि शुक्रवार को राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने टीआरएस से पैरवी के लिए दबाव बनाया तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हमारे सामने दो तीन लक्ष्य हैं। पहला ये कि जो तेलंगाना जो हमने बनाया था, तेलंगाना की जनता के साथ मिलकर हमने बनाया था, उस सपने को पूरा करने के लिए और तेलंगाना को एक मॉडल स्टेट बनाने का सपना है। चुने हुए लोगों की सरकार नहीं, मोनोपॉलिटिकल सरकार नहीं, किसानों की, गरीबों की, तेलंगाना के हर व्यक्ति की सरकार हम बनाना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर हम फोकस करना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है, हमारा सपना है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी में यूनिटी की जरूरत है। टिकट मिलेंगे, मेरिट के बेसिस पर मिलेंगे, गलत फहमी में किसी को नहीं होना चाहिए। बाद में मुझसे ये मत कहना, आज अच्छी तरह से सुन लीजिए, टिकट मिलेगा, मेरिट के बेसिस पर मिलेगा, जो काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जो किसानों की लड़ाई लड़ेगा, छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ेगा, युवाओं की लड़ाई लड़ेगा, उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, और अगर काम नहीं करेंगे तो टिकट नहीं मिलेगा। ये हमारा परिवार है, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि किसी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, काम करेंगे रिवॉर्ड मिलेगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने नेपाल में एक नाइट क्लब पार्टी में शामिल होने को लेकर के राहुल गांधी को घेरा था। इस वायरल वीडियो में कथित तौर पर राहुल को चीनी महिला राजनीति के साथ पार्टी करते दिखाया गया था। हालांकि बाद में इस बात की पुष्टि हुई कि वो कोई और महिला थी जो शादी समारोह में शामिल होने आई थी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।